प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते, मेरा नाम है महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देशभर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। आज फरवरी का आखिरी दिन है, 28 फरवरी हो चुकी है और हमने देखा कि फरवरी के महीने में भी एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए। हालांकि जनवरी का महीना बहुत ज्यादा एक्टिव रहा, रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज हुई, भारी हिमपात हुआ, लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए। 7 अच्छे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जनवरी के महीने में देखने को मिले और लगभग उसी तादाद में, हालांकि अपेक्षाकृत कमजोर थे, फरवरी में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए। अब मार्च के महीने की शुरुआत भी लगातार एक के बाद एक अच्छे पश्चिमी विक्षोभ के साथ होगी। शुरुआती दौर में पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहेंगे। आज शाम से एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर पर पहुंचेगा, उसके बाद आप देखिए 1-2 यानी कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम से कम 10 मार्च तक पहाड़ों को प्रभावित करते रहेंगे। हालांकि 8 से 10 मार्च के बीच में जो बारिश और स्नोफॉल है वो बढ़ जाएगा एक बार, और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है जो सेंट्रल पाकिस्तान पर है और एक तरफ रेखा भी बनी हुई है, और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत में था वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ गया है। अब जो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि पूर्वी भारत में और मध्य भारत में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां थी, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम साफ हो चला है। अगर उत्तर भारत से शुरुआत करें तो उत्तर भारत में कल और परसों यानी आज रात से और अगले दो तीन दिनों के दौरान बहुत हल्का स्नोफॉल देखने को मिलेगा पहाड़ों पर, यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर पर, उत्तराखंड में बहुत हल्की बारिश होगी और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो उत्तर भारत में दिखाई नहीं देगा और माफ कीजिएगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और नॉर्थ राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों का मौसम फिलहाल शुष्क रहने वाला है। लेकिन 2 मार्च के आसपास ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये आगे आएगा और पंजाब के कुछ भागों में, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ दिल्ली NCR में हल्की बारिश, यानी कि बहुत तेज बारिश नहीं होगी, जैसे हमने देखा था कि जो पिछले दिनों में देखा था 25 तारीख को बहुत तेज बारिश हुई थी और ओले भी गिरे थे, उस तरह की स्थिति नहीं होगी, लेकिन हल्की बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। यानी कि एक बार फिर बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत को परेशान करेंगी। हालांकि ये जो बारिश ऐसी नहीं होगी जो फसलों को नुकसान पहुंचा पाए, हल्की हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। 2 तारीख के बाद मौसम एक बार फिर साफ हो जाएगा और अब क्या होगा कि जो दिन के तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और अगले 2-3 दिनों के दौरान जो दिल्ली NCR है उसमें 27-28 डिग्री तक और हो सकता है 29 डिग्री तक भी तापमान पहुंच जाए दिन का, और बाकी इलाकों में भी ग्रेजुअल इंक्रीज यानी कि धीरे धीरे जो तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और अब क्या, अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन इलाकों का मौसम शुष्क बना रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अब किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आप देखिए जो पहले हवाएं इस तरह से घूम रही थी, यानी कि जो नमी वाली हवाएं उत्तर पूर्वी भारत में पहुंच रही थी, अब उनका जो डायरेक्शन चेंज हो गया है वो उत्तर पश्चिम से, यानी कि यहाँ कोई पानी का कोई बड़ा स्रोत नहीं है, इसलिए ये शुष्क हवाएं हैं जो उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर हैं, तो मौसम शुष्क रहेगा। और हालांकि इस तरह से ये घूम करके थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ रहा है तो थोड़ी बहुत बादल वगैरह छा सकते हैं ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास के इलाकों में, लेकिन बारिश की गतिविधियां हमें संभव नजर नहीं आ रही हैं। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में भी केवल राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां 2 तारीख को रहेंगी, लेकिन दक्षिणी राजस्थान जैसे कि आप कह सकते हैं जोधपुर, बाड़मेर और कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। गुजरात में पूरा शुष्क रहेगा, भुज, नलिया से लेकर के बनसकांता, सबरकांठा, गांधीनगर और सूरत, बलसाड़, इधर अमरेली और द्वारिका तक, यानी ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। और महाराष्ट्र में भी ऊपर से यानी कि जलगांव से लेकर के सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक, इधर गोंडिया, चंद्रपुर, नागपुर, अकोला, अमरावती से लेकर के वासिम, वर्धा, ये जो इलाके हैं और परवनी वगैरह, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी किसी तरह की वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही, छत्तीसगढ़ भी शुष्क रहेगा और उड़ीसा में भी हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, बारिश नहीं होगी। ये अगले कई दिनों का मौसम है, यानी कि अब कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। दिन के तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, दिन गर्म होने लगेगा, रातें अभी भी कंफर्टेबल रहेंगी मध्य भारत में, और उत्तर भारत में आपको पता है कि अभी भी सर्दी बरकरार है और अभी फिलहाल बहुत ज्यादा मिनिमम टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी है वो दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि सुबह और शाम की सर्दी रहेगी, दिन थोड़ा सा गर्म रहेगा, यानी कि दोनों में टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो काफी बना रहेगा, तो इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत होती है। सुबह और शाम अपने आपको कवर करके रखें, और जो दिन है, क्योंकि अचानक टेम्परेचर बढ़ता है उसके बाद फिर ड्रॉप होता है, तो इस तरह के जो उतार चढ़ाव है नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब
एक नया डेवलपमेंट हुआ है, एक लो प्रेशर एरिया बना है जो जहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन था साउथ अंडमान सी में, अब लो प्रेशर बना है और ये धीरे धीरे तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तमिलनाडु को बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, हालांकि बारिश की गतिविधियां बहुत दिनों से नहीं हो रही थी। अब क्या होगा कि दक्षिणी तमिलनाडु में 2 तारीख से यानी कि 2 मार्च से हमें उम्मीद है कि पंबन, कराईगल, तंजावुर, नागापट्टनम और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। 3 तारीख को ये चेन्नई समेत पुडुचेरी, कराईकल, ये जितने भी इलाके हैं और तिरुपति, नेल्लोर, अनंतपुर, ये जो रायलसीमा वगैरह है, ये सारे इलाके कवर हो जाएंगे। बेंगलुरु, चामराजनगर, मैसूर, ये जो साउथ इंटीरियर कर्नाटका है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। केरल में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। यानी कि ये जो दक्षिण भारत के कई इलाकों में 2 तारीख से जो बारिश शुरू होगी जो 5 तारीख तक जारी रह सकती है, हालांकि 4 और 5 तारीख को बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी, 3 तारीख को थोड़ी ज्यादा बारिश होगी। केरल भी इससे प्रभावित होगा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी द्वीप है उसमें अगले 2 दिनों के दौरान तेज बारिश हो सकती है। और अब क्या होगा कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु और श्रीलंका के तट पर जो हवाओं की रफ्तार है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कम से कम 3 तारीख तक या 4 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख के बीच में जो हवाएं हैं वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चलेंगी कई इलाकों में, यानी कि समुद्र में लहरें भी ऊंची उठ सकती हैं। तो मछुआरों को सलाह दी जाती है कि अगर आपको डीप सी में जाना है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें और सावधानी बरतें, और अगर कोई भी आपको इस तरह का अलर्ट जारी होता है तो तुरंत आप किनारे की तरफ चलें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। स्काई मेट ब्रदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।